नमस्कार साथियों, ट्रक जंक्शन के हमारे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 19 टन की कैपेसिटी वाले दो ट्रक्स की। एक है टाटा कंपनी का LPT 1916 और दूसरा है अशोक लीलैंड का 1915। तो इन दोनों ट्रक्स में, इनके फीचर्स में क्या अंतर है, क्या खास है 1916 में और क्या खास है 1915 में, इस पूरे वीडियो में हम उसकी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में किस तरह का इंजन दिया गया है, उसकी पावर कितनी है और उसकी मैक्सिमम टॉर्क कितनी है। इंजन की बात की जाए तो टाटा LPT 1916 का जो इंजन है वो 3300 सीसी में आता है। BS6 फेज 2 टाइप का ये इंजन है। इसकी अगर मैक्सिमम पावर की बात करें तो 160 HP की पावर का ये इंजन है और इसकी जो टॉर्क है वो 475 न्यूटन मीटर मैक्सिमम टॉर्क है। अब बात करते हैं अशोक लीलैंड 1915 ट्रक की। तो इसका जो इंजन है वो आपको मिलता है H सीरीज 4 सिलेंडर CRS विद आई जनरेशन 6 टेक्नोलॉजी का, जो कि आता है 3839 सीसी में। अगर इंजन की हम मैक्सिमम पावर की बात करें तो इसका इंजन 150 HP का है और इसकी मैक्सिमम जो टॉर्क है वो 450 न्यूटन मीटर की दी गई है। इंजन के बाद अब बात आती है गाड़ियों के ग्रॉस व्हीकल वेट की, उनकी पेलोड कैपेसिटी की और लोड बॉडी की लेंथ की। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों गाड़ियों का ग्रॉस व्हीकल वेट कितना है और पेलोड कितना है। लोड बॉडी की बात की जाए तो टाटा का जो 1916 ये ट्रक है, इसकी जो लोड बॉडी है वो 17 फीट से 24 फीट तक की लेंथ की आपको मिलती है। ग्रॉस व्हीकल वेट इस गाड़ी का 18,500 किलोग्राम है और पेलोड की अगर हम बात करें तो टाटा 1916 में आपको पेलोड मिलता है 13,200 किलोग्राम का। ग्रेडिबिलिटी इस गाड़ी में आप 24% तक पाते हैं। अब अशोक लीलैंड 1915 की अगर हम लोड बॉडी के साइज की बात करें तो कंपनी की तरफ से ये आपको मिलती है 22 फीट की लंबाई की। उसके अलावा अगर आप चाहें तो 18 फीट, 20 फीट और 22 फीट तीनों कैटेगरी में आप ये लोड बॉडी तैयार करवा सकते हो। अगर हम बात करें इस गाड़ी के ग्रॉस व्हीकल वेट की तो इस गाड़ी का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 18,490 किलोग्राम दिया गया है और इस गाड़ी के अगर पेलोड की बात की जाए तो 11,702 किलोग्राम का पेलोड आपको इस गाड़ी में आसानी से मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियां डीजल गाड़ियां हैं। अब हम बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की, कितना लीटर फ्यूल इन दोनों गाड़ियों में आ सकता है और उसके अलावा इन दोनों गाड़ियों के टायर के साइज क्या है। फ्यूल कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो टाटा 1916 ट्रक में आपको 160 लीटर से 250 लीटर तक की कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है। यूरिया टैंक जो दिया गया है वो करीबन 25 लीटर की कैपेसिटी का है और उसके अलावा अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो चूंकि ये ट्रक जो है वो 6 टायर में आता है तो टायर का जो साइज़ है वो 295/90R20 का दिया गया है। अब हम बात करते हैं अशोक लीलैंड 1915 के फ्यूल टैंक के बारे में। तो इस फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी दी गई है वो 185 लीटर से 330 लीटर तक की कैपेसिटी के फ्यूल टैंक आपको इसमें मिलते हैं। उसके अलावा जो यूरिया टैंक है उसकी कैपेसिटी करीबन 25 लीटर तक की दी गई है। टायर साइज की अगर हम बात करें इस ट्रक की तो इनका जो टायर साइज है वो 295/90R20 का है और ये ट्रक भी 6 टायर के साथ आता है। ट्रक्स के अंदर एक्सल और सस्पेंशन दो बहुत ही जरूरी पार्ट्स होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि टाटा 1916 में एक्सल और सस्पेंशन कौन सा दिया गया है और अशोक लीलैंड 1915 का एक्सल और सस्पेंशन कौन सा है। टाटा 1916 का जो फ्रंट एक्सल है वो फोर्स्ड आई बीम रिवर्स एलियट टाइप का दिया गया है और रियर एक्सल फुली फ्लोटिंग दिया गया है। सस्पेंशन की बात करें तो इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो फ्रंट सस्पेंशन पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग है और जो रियर सस्पेंशन है वो सेमी इलेप्टिक टाइप का दिया गया है। टाटा 1916 के बाद अशोक लीलैंड 1915 के अगर हम एक्सल और सस्पेंशन की बात करें तो इस गाड़ी का जो फ्रंट एक्सल है वो पोस्ट आई सेक्शन रिवर्स एलियट टाइप का है और रियर एक्सल आपको मिलता है फुल्ली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड टाइप का। अब इस गाड़ी की अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो सेमी इलेप्टिक मल्टी लीफ शैकल टाइप का है और जो रियर सस्पेंशन दिया गया है वो भी सेमी इलेप्टिक मल्टी लीफ है जो कि न्यू हैवी ड्यूटी सस्पेंशन के साथ आता है। गाड़ी चलाने वाले के लिए सबसे जरूरी होती है कंफर्ट और सेफ्टी। तो इस चीज को जानने के लिए अब हम देखेंगे कि इन दोनों गाड़ियों का जो कैबिन है वो किस तरह का दिया गया है और उन कैबिन्स के अंदर क्या खास फीचर्स हैं। कैबिन की अगर बात की जाए तो टाटा 1916 का जो कैबिन है वो डे टाइप का ही कैबिन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो D+2 की सीटिंग दी गई है, मतलब एक सीट ड्राइवर के लिए और दो को पैसेंजर्स के लिए। ड्राइवर की जो सीट है इसको आप तीन तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे, बैक को भी आप टिल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस सीट को ऊपर और नीचे भी अपने वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करें स्टीयरिंग की, तो जो गाड़ी में स्टीयरिंग दिया गया है ये पावर स्टीयरिंग है और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ आता है, मतलब आप इसे अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे भी सेट कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। गियर बॉक्स की अगर बात करें तो टाटा 1916 का जो गियर बॉक्स है वो GBS 550 है और इसका जो ट्रांसमिशन है उसमें आपको 5 गियर फॉरवर्ड मिलते हैं और एक गियर रिवर्स के लिए मिलता है। टाटा 1916 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरे तरीके से डिजिटल क्लस्टर है जो आपको माइलेज इंडिकेटर के साथ मिलता है। उसके अलावा केबिन के अंदर सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि सीट बेल्ट है, उसके अलावा आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है और एक सनवाइजर है ड्राइवर के लिए। ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है और जो डैशबोर्ड है वो स्टैंडर्ड साइज का है। टाटा 1916 में जो हैंड ब्रेक दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, और इसके बिल्कुल बगल में यहाँ कुछ और बटन्स दिए गए हैं जिसमें से आप अगर देखेंगे तो एक लाइट बटन है और एक हैवी बटन है, मतलब अगर आप फ्लैट रोड पर कहीं चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में आप नहीं चलना चाहते हैं, तो आराम से आप इस बटन को दबा करके सेफली अपनी गाड़ी चला सकते हैं। पर अगर आपकी गाड़ी फुली लोडेड है और आपको कहीं हाइट पर इस गाड़ी को ले जाना है तो आप ये हैवी वाला बटन दबाएं और इजीली ये गाड़ी अपना लोड लेकर के आराम से ऊपर चढ़ जाएगी। उसके अलावा पार्किंग के लिए यहाँ बटन दिया गया है। उसके अलावा 4 ब्लोवर दिए गए हैं वेंटिलेशन के लिए। यहाँ सेपरेट एक स्लॉट दिया गया है जिसमें आप अपनी चॉइस से म्यूज़िक सिस्टम फिक्स कर सकते हैं। जो डैशबोर्ड है उस पर दोनों साइड में ही स्पीकर्स भी दिए गए हैं। टाटा 1916 की जो क्लच है वो 330 मीटर के डायमीटर की है और ये क्लच बूस्टर के साथ आती है। और अगर इनके ब्रेक्स की बात की जाए तो इस गाड़ी में जो ब्रेक्स हैं वो एयर ब्रेक्स दिए गए हैं। देखो साइड पर दिया हुआ है सीटिंग D+1। इस गाड़ी के अगर हम कैबिन की बात करें तो ये भी डे टाइप का ही कैबिन दिया गया है। सीट की बात करें तो ड्राइवर सीट के अलावा 2 को पैसेंजर की सीट दी गई है। जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको दोनों तरह का एडजस्टमेंट मिलता है, आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं और आप बैक को भी लिफ्ट कर सकते हैं। और ये भी पावर स्टीयरिंग दिया गया है लेकिन आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। गाड़ी के अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो इसका जो गियर बॉक्स है वो 6 स्पीड सिंक्रोमैश ODGB केबल CSO सिस्टम है, यानी कि इसमें आपको 5 गियर फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर मिलता है। उसके अलावा अगर हम कैबिन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें भी आपको सिंगल सनवाइजर मिल रहा है। ड्राइवर के लिए कैबिन लाइट दी गई है, सेफ्टी के लिए इसमें भी दोनों तरफ बेल्ट हैं और उसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं पीछे फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है। कंफर्ट की बात करें तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल दी गई है। डैशबोर्ड काफ़ी फ्लैट है पर इसका जो ग्लव बॉक्स है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा दिया गया है। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो स्विच दिए गए हैं, पार्किंग स्विच आपको यहाँ मिल जाता है। उसके अलावा आप जो ये नीला स्विच देख रहे हैं, ये जब गाड़ी ढलान पर चलती है तो गाड़ी का बेटर कंट्रोल हो उसके लिए आप इस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गाड़ी में भी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल टाइप का ही दिया गया है। आप इसकी स्पीड, कितने किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, क्या एवरेज है, वो सब आप इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एयर ब्लोवर्स की बात करें तो आपको इस गाड़ी में यहाँ फ्रंट में 2 वेंट मिलते हैं एयर के लिए। म्यूज़िक सिस्टम आप यहाँ जो स्लॉट दिया गया है उसमें अपना म्यूज़िक सिस्टम लगवा सकते हैं। और गाड़ी का जो हैंड ब्रेक दिया गया है वो यहाँ नीचे दिया गया है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ स्लॉट दिया गया है अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। टाटा 1916 के कैबिन में आपको एक पीछे सिंगल स्लाइडिंग विंडो मिल रही थी लेकिन इसमें यहाँ पर 2 बड़ी विंडो दी गई हैं पर ये स्लाइडिंग नहीं है। इस गाड़ी का जो क्लच है वो आपको 330 डायमीटर सिंगल प्लेट ड्राई टाइप का मिलता है जो कि विद क्लच बूस्टर आता है। और अगर इस गाड़ी के ब्रेक्स की बात करें तो फुल एयर ड्यूअल लाइन ब्रेक्स आपको इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे 2 ट्रक्स, टाटा 1916 और अशोक लेलैंड 1915। और इस पूरे वीडियो में हमने आपको बताया इन दोनों ट्रक्स के फीचर्स के बारे में और किया उनका कंपैरिजन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप और किसी भी तरह के ट्रक के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। हम ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लगातार लाते रहें, उसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं और अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ और लोगों को भी शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम जल्द ही फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।